नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार और आज का विषय है अग्निपथ योजना जो हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च की गई और लॉन्च करने के बाद में एक बड़ा युवा वर्ग जो है सड़कों पर उतर गया। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि वो सड़कों पर उतर गया, क्या कारण रहे, क्या युवाओं को ये योजना समझ में नहीं आई या असफल रही सरकार इस योजना को समझाने में। हालांकि अभी तक नए नए बिंदु के रोजाना सरकार हमारे साथ शेयर कर रही है, बता रही है कि इसके जो अग्निवीर बनेंगे उसके क्या फायदे होंगे। चार साल आप इस योजना में जो है कार्यरत रहेंगे इस योजना के तहत। आखिर युवा वर्ग इसको समझने में नाकाम क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार की कमियां है या कहीं योजना में कमी है। सबसे पहले मैं इन युवाओं के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि आपका अधिकार है कि आप किसी के भी खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, पर आप जो है एक कानून के दायरे में रहकर उस काम को करें। आप अगर किसी चीज़ को, भारत की धरोहर को, अपने राष्ट्र की संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपकी जो भागीदारी है वो गलत है। और गलत इस वजह से है क्योंकि अगर आप रेल को जला रहे हैं, आप गाड़ियों को जला रहे हैं, सरकारी किसी भी संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसमें देश के नुकसान के साथ साथ में आपका भी नुकसान है। आप अपने सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बात को मनवा सकते हैं। जब तक आपको लगता है कि सरकार आपकी बात को नहीं मान रही, आप आंदोलन कर सकते हैं, उसमें कोई किसी को भी ऐतराज़ नहीं होगा, सरकार को भी ऐतराज़ नहीं होगा। पर अगर जैसे आज के हालात पिछले 3-4 दिनों से देखे जा रहे हैं, रेलें जलाई जा रही हैं, पेट्रोल पंप पे आग लगाई जा रही है या अन्य भारतीय धरोहर पर जो है आगें लगाई जा रही हैं, तो वो एक तरीके से बिल्कुल गलत है। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि भारत का नुकसान है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी नुकसान है। इस चीज़ को देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें। आंदोलन करने का तरीका, रास्ता सही होना चाहिए, तभी आपकी बात मानी जा सकती है या मनवाई जा सकती है आपके लिए। अब बात करते हैं अग्निवीर योजना की। सरकार इसमें हमसे समझाने का प्रयास ये कर रही है कि हम 4 साल की नौकरियां देंगे, 50,000 नौकरियां हर साल देने का वादा किया गया, जो कि सरकार के द्वारा पहले भी, अगर हम पिछले 3 साल की बात करें जिसमें कि कोरोना काल और नोटबंदी, दो हमारी परिस्थितियां ऐसी रही जहां पे नौकरियां नहीं आई, सेना के अंदर भर्तियां नहीं निकाली गई। इससे पहले भी लगभग अनुमान हम 40,000 से 45,000 भर्तियां हर साल सेना के तीनों प्रारूप में, जल थल और वायु सेना, तीनों प्रारूपों में कहीं ना कहीं पे निकालते थे। तो ये भी बात स्वीकृत नहीं होती सरकार की तरफ से कि आपको 50,000 की जॉब जो है, 50,000 युवाओं को जॉब हर साल दी जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें ये गलती की है। मेरा खुद का विचार है, इस पर खुद का मानना है कि सरकार को ये डिसाइड करना चाहिए कि हर युवा को जॉब मिलेगी, वो कैसे मिलेगी, क्या उसकी योजनाएं होंगी, वो सरकार तय करे। कैसे करना होगा उस चीज़ के बारे में मैं आपसे ज़्यादा नहीं बता सकता, सरकार ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ सकती है। बाकी दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि जो खर्चा कम करने की बात की गई है कि हम सैनिकों का वेतन भी कम है और उसके बाद में पेंशन नहीं है, सरकार अगर इतना ही विचार कर रही है खर्चे पर, भारतीय कोष पर अगर इतना ध्यान दे रही है, तो सरकार को सबसे पहले अपने गिरिवान के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हम लोग जो सरकार के अंदर लोग बैठे हैं, मंत्री हैं, MLA हैं, MP हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, उनकी जो सैलरी होती है, उनका जो वेतन होता है वो कितना है। होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, पर एक अनुमानित तरीके से, एक संयोजित तरीके से चीज़ों को अगर देखा जाए तो जितना अभी है उतना नहीं होना चाहिए। एक एक विधायक 8-8 बार का पेंशन ले रहा है। जितनी बार विधायक हो, MP हो या कोई मंत्री रहता है, जितनी बार वो मंत्री बनता है या जितनी बार वो MLA बनता है, जितनी बार MP बनता है, उतनी बार ही उसको पेंशन मिलती है। ये गलत है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। पेंशन मिलनी चाहिए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, वो भी समाज के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात लगा रहे हैं, पेंशन मिलनी चाहिए उनको भी, उनके परिवार भी है, सब चीज़ें हैं। पर इसमें ये संशोधन किया जाना चाहिए कि आप एक विधायक को 8 बार पेंशन दे रहे हैं और एक बार पेंशन देने का जो अनुमानित जो आता है वो 70,000 से 75,000 रुपये पेंशन मिलती है एक विधायक को या MP को।
तो अगर आप 8 बार दे रहे हैं उसको, एक ही एमपी को, एमएलए को आप 8 बार पेंशन दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी रकम हो गई। तो सरकार को सबसे पहले, सैनिकों से पहले इस बात को खुद अपने अंदर सोचना चाहिए कि जो हम लोग खर्चे कर रहे हैं वो कितने खर्चे हैं। एक एमपी का एक साल का जो खर्चा है वो अनुमानित जो खर्चा है वो 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, 1 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्चा आता है। बट मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ कि 1 करोड़ रुपए एमपी पर खर्च किए जाते हैं, तो उस खर्चे को भी हम खर्च कम कर सकते हैं अगर सरकार इतना खर्चा कम करने पर ध्यान दे रही है। तो सरकार को सबसे पहले खर्चे की बात पर मुझे अच्छा नहीं लगा, सैनिकों को आप ऐसे सैनिकों के लिए आपने ये बात बोली गई। आपको पता है एक सैनिक जब घर से जाता है ट्रेनिंग के लिए जाता है तो वो अपना एक परिवार, पीछे बच्चे, अपने माँ बाप सबको छोड़ के जाता है, और सबको खुशी भी होती है इस बात की कि मेरा बच्चा जो है देश की सेवा में गया है। पर कहीं ना कहीं उनके घर वालों के, जब तक वह ड्यूटी पर रहता है तब तक घर वालों के दिमाग में एक चीज़ रहती है, उसके कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है कि मेरा बच्चा वापस आएगा या नहीं आएगा। उस डर में जीने का जो एहसास होता है वो एहसास आप लोगों को शायद नहीं है, सरकार में बैठे हुए लोगों को नहीं है वो एहसास। आपको एहसास तब होगा जब आपके बच्चे मिलिट्री में जाएंगे, आपके बच्चे वहाँ सेना सीमाओं पर रक्षा करेंगे, तब आप शायद उस चीज़ का एहसास कर पाएंगे। आप उनके लिए वेतन कम करना या ज़्यादा करना, पर अगर आप उनकी पेंशन बंद कर रहे हैं वो गलत है बिल्कुल सरासर। पेंशन योजना होनी चाहिए, कम है कि ज़्यादा है उस चीज़ पर आप विचार कर सकते हैं कि कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं, पर पेंशन योजना ख़त्म करना सैनिकों के लिए वो बिल्कुल सरासर गलत रहेगा। धन्यवाद।